बच्चों, मैं आपको BSCAG थर्ड सेम यूनिट 4 का मूंग उत्पादन की तकनीकी के बारे में जानकारी दूंगा। मूंग का महत्व क्या है और उसका उपयोग क्या है, इस सर्वप्रथम मैं यह बताऊंगा। हमारे देश में मूंग का उपयोग दालियों के रूप में होता है। मूंग से नमकीन तथा मिष्ठान, पापड़ और मगौड़ी भी बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त मूंग की हरी फलियां सब्जी के रूप में भी खाई जाती हैं। इसकी फसल हरी खाद तथा पशुओं के हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका भूसा अधिक पौष्टिक एवं अधिक स्वादिष्ट होता है, जिसे पशु चाव से खाते, बहुत स्वादिष्ट यह होता है। मूंग नाइट्रोजन को भूमि में बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि इसकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों में एक सूक्ष्म जीवाणु राइजोबियम पाया जाता है। इस जीवाणु में क्षमता होती है कि वह वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का मृदा में संस्थापन यौगिक नाइट्रोजन के रूप में है, जिसका प्रयोग मूंग के बाद बोई गई फसल द्वारा किया जाता है। उत्पत्ति, मूंग की उत्पत्ति कहाँ हुई? वैज्ञानिकों के अनुसार, अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि मूंग का जन्म स्थान भारत है। भूमि, कैसी भूमि में मूंग की खेती की जाए? उचित जल निकास वाली जमीन हो, दोमट भूमि हो, भारी दोमट या बलुई दोमट भूमि अच्छी होती है मूंग की खेती के लिए, जिसका pH मान 6 से 7 के बीच होता है। खेत की तैयारी हम कैसे करें? एक बार हम गहरी जुताई करने के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके भूमि को भुरभुरी बना देते हैं, या एक ही जुताई अगर हम रोटावेटर से करते हैं तो हमारी जमीन भूमि जो है वह बुआई योग्य हो जाती है। प्रमुख प्रजातियां, मेन फैक्टर जो होता है प्रजातियों का होता है मूंग की खेती में। अगर प्रजातियों का चयन उचित रूप से हो गया, सही ढंग से हो गया, तो अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होता है। प्रजाति का नाम हम आपको बताएंगे, पकने की अवधि कितने दिन की होती है और उत्पादन क्षमता कुंतल प्रति हेक्टेयर कितनी होती है, यह मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे पंथ मूंग 3 75 से 85 दिन की एक प्रजाति है, 10 से 15 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। नरेंद्र मूंग 1 65 से 70 दिन की प्रजाति है, 12 से 15 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। पंथ मूंग 4 65 से 70 दिन की प्रजाति है, 12 से 15 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। माडवी जोत BHU की प्रजाति है, 65 से 70 दिन की यह प्रजाति, 12 से 15 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। सम्राट 65 से 70 दिन की प्रजाति है, 10 से 12 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। और यह दोनों प्रजाति जो मैं बताने जा रहा हूँ BHU की है। माडवी जनचेतना बहुत अच्छी प्रजाति, 65 से 70 दिन की प्रजाति है, 12 से 15 कुंतल प्रोडक्शन है। माडवी जनप्रिया 65 से 70 दिन की प्रजाति है, 12 से 15 कुंतल। मेहा बहुत अच्छी प्रजाति है, 60 से 65 दिन की प्रजाति है, करीब 2 महीने में कट जाती है। 14 से 16 कुंतल इसका प्रोडक्शन, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है। IPM 65 से 70 कुंतल इसका प्रोडक्शन है, 65 से 70 दिन के प्रजाति है, 12 से 15 कुंतल इसका प्रोडक्शन होता है। बीज की मात्रा, हम मूंग में कितना बीज का प्रयोग करें, तो मेरा सुझाव है कि 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगर हम बीज का प्रयोग करते हैं तो उत्पादन अच्छा होता है। बीज शोधन, अगर हम बीज शोधन सुचारू रूप से करें तो हम FIR मेथड से करें तो प्रोडक्शन अपने आप 15-20% बढ़ जाता है। जैसे मूंग का बीज शोधन हम ट्राइकोडर्मा से करें फर्स्ट, उसके बाद फास्फेटिका से करें, फास्फेटिका के बाद मूंग का राइजोबियम कल्चर जो आता है उससे करें तो हमारा प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाता है। कितनी दूरी पर हम बुआई करें? 30 कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, अब पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। गहराई हम 2 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर हम
मूंग की बुआई करते हैं। बुआई का समय क्या है, 10 जुलाई से 10 अगस्त तक हम किसी भी सूरत में मूंग की बुआई कर दें। बुआई की विधि, बुआई की अनेक विधियां हैं, उसमें से कुछ मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। जैसे कतार से कतार से बुआई की जाती है, वह सीड्री से बुआई की जाए या रिज्ड मेथड से बुआई की जाए, या एक छिटकवा बीज होता है, इसको मानता नहीं दी जाती, मगर कभी कभार छिटकवा बीज से लोग बुआई कर देते हैं मूंग की। खाद एवं उर्वरक, अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कंपोस्ट खाद 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। आपका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, पौधे बहुत अच्छे होते हैं अगर हम कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें। उसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त हम उर्वरक 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करते हैं। साथ में गंधक 20 किलोग्राम का प्रयोग हम अवश्य रूप से करें। सिंचाई, वैसे तो मूंग जो है खरीफ सीजन की फसल है, बरसात सीजन वर्षा ऋतु की फसल है, इसलिए इसकी इसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर पुष्पावस्था में बरसात न हो या बडिंग स्टेज जब फलियां बनना शुरू हो जाए, बरसात न हो, तो 1 से 2 सिंचाई हम कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण, अगर मूंग के खेत में खरपतवार उग जाता है तो सर्वप्रथम हम क्या करें कि बुआई के 2-3 दिन के अंदर ही हम पेंडिमेथिडिन का प्रयोग कर दें। यह रसायन है जिससे कि हमारे खेत में खरपतवार उगेगा ही नहीं। अगर उग आया थोड़ा बहुत कुछ, तो निराई गुड़ाई करके हमको उसको समाप्त कर देना चाहिए। और रसायन का प्रयोग हम करना चाहें तो नाइट्रोफेन 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर हम छिड़काव करें तो खरपतवार समाप्त हो जाता है। प्रमुख रोग क्या है, मूंग में कौन कौन से रोगों का प्रकोप होता है। मूंग का पिंडा चितवर्ण रोग, एंडोमोजाइक का प्रकोप होता है, यह सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। और सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है, अगर हम मक्खी को ही समाप्त कर दें तो यह रोग नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, मोनोक्रोटोफास, क्लोरोपाइरीफास 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करके हम मक्खी को समाप्त कर देते हैं और रोग का नियंत्रण हो जाता है। अगर थोड़े बहुत पौधे में यह रोग पकड़ा है तो हम क्या करते हैं कि पौधे को उखाड़ करके कहीं दूर स्थान खेत के गड्ढे खोद कर उसको दबा देते हैं तो यह रोग का नियंत्रण हो जाता है। पत्ती का धब्बा रोग, यह रोग बहुत ही भयंकर होता है। इसकी रोकथाम के लिए जिनेब का प्रयोग किया जाता है, रसायन है, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, इससे इसका रोकथाम हो जाता है। बीज एवं पौध अर्धगंडन डंपिंग आपकी बात होती है, पौधा खेत छोटे ही अवस्था में पौधा मर जाता है, समाप्त हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए अगर हम कार्बेंडाजिन से उपचारित करके हम बुआई करें तो डंपिंग आपका प्रकोप नहीं होता है। मूंग के कीटों का अगर प्रकोप हो जाता है तो बहुत ही नुकसान पौधे को करते हैं। पाट बोरर, यह दानों को खा जाता है। स्टेम बोरर और तीसरा एफिड का प्रकोप कम होता है। पाट बोरर एवं स्टेम बोरर का प्रकोप खेत में बहुत होता है, तो आप क्या करिए, मोनोक्रोटोफास या इंडोसल्फान क्लोरोपाइरीफास का छिड़काव करके आप मूंग के कीटों का प्रकोप रोक सकते हैं। उसके अतिरिक्त कटाई जब पौधे पीले रंग के एंडो रंग के होना शुरू हो जाएं और उसके दाने पकना शुरू कर दें या मॉइस्चर 20 सेंटीग्रेड हो जाए, तो 20% रह जाए, तो हम कटाई कर देते हैं हँसिए के द्वारा, मानव श्रम के द्वारा, और उसको हम
गट्ठर में बांध कर कर करके थ्रेसिंग फ्लोर पर रख कर करके धूप में सुखा के हम थ्रेसर से या ट्रैक्टर से मड़ाई कर देते हैं। मड़ाई करने के बाद ओसाई ओसा करके दाने को भूसा एक तरफ कर देते हैं, दाना एक तरफ करने के बाद हम क्या करते हैं भंडारण की क्रिया। भंडारण में हम ध्यान देते हैं कि अगर उचित नमी नहीं बनाई गई तो उसमें कीड़ों का प्रकोप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि धूप में दानों को सुखा देते हैं। 10-12% अगर मॉइस्चर नमी रह जाए तो हम जूट के बोरे में या हम डेहरी में भंडारण करते हैं। अगर इन विधियों को हम अपनाएंगे तो हम मूंग से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स।